हेलो दोस्तों, होप यू आर सेफ एंड साउंड। स्ट्रक्चरल एनालिसिस 3 के सेशन में आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस, जिसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग मास एनालॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स कन्वर्स नोन एज स्टिफनेस आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच करेक्टराइज द रिस्पॉन्स ऑफ ए स्ट्रक्चर बाई मीन्स ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी और उसका अपोजिट को स्टिफनेस बोलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो स्ट्रक्चर का रेस्पॉन्स शो करती है बाई मीन्स ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। इन अ जनरल सेंस में द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाई यूनिट फोर्स एंड द स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। जनरल सेंस में किसी स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूनिट फोर्स लगा के जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है। सी स्प्रिंग मास एनालॉजी। कंसिडर फर्स्ट अ स्ट्रक्चर एलिमेंट विद अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने स्ट्रक्चर एलिमेंट माना कि हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। द स्प्रिंग ए बी इज डिफाइंड एट एंड ए एंड हैज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एंड बी अलोंग कोऑर्डिनेट 1। ये स्प्रिंग ए बी है, ये फिक्स है ए पॉइंट से, और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड बी पर अलोंग द कोऑर्डिनेट 1। See, the flexibility of the spring is defined as the displacement del 1 at coordinate 1 due to unit force at coordinate 1. Yani flexibility jo hogi spring ki wo hogi kisi coordinate 1 par unit force laga ke jo hame coordinate 1 par displacement mila. Displacement ko show kar raha yahan pe del 1 se. If a force p1 produces a displacement delta 1 at coordinate 1, यदि कोई फोर्स P1 प्रोड्यूस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा 1 एट कोऑर्डिनेट 1, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 डिवाइड बाय P1 इज इक्वल्स टू डेल 1 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया फ्लेक्सिबिलिटी का विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग मास एनालॉजी। नाउ स्टिफनेस। सिमिलरली द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द फोर्स K11 रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1। सिमिलरली स्प्रिंग की स्टिफनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं K11 से, जो रिक्वायर्ड होता है कोऑर्डिनेट 1 पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो स्टिफनेस जो आपका होता है अपोजिट होता है 1 बाय डेल्टा 1 डिवाइड बाय P1, सो P1 बाय डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू K11। सो एट द एंड आई वांट टू सजेस्ट यू स्टे होम एंड स्टे सेफ। सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ।